हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरकुदा IMT में मारुति कंपनी का प्लांट लगाने की चर्चा तो है ही, साथ ही कई विदेशी कंपनियां भी यहां पर उद्योग लगा सकती हैं। प्रदेश सरकार चाहती है कि खरकुदा IMT भी विश्व के मानचित्र पर उभरे, इसलिए यहां पर देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उद्योग लगाएं। प्रदेश सरकार कंपनियों की आवश्यकताओं उनको जमीन अलॉट करने के लिए भी तैयार है। IMT खरकुदा एसोसिएशन प्रेसिडेंट राजीव दहिया का कहना है कि खरकुदा IMT विकसित होने के बाद आसपास के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिलेंगे, जिससे क्षेत्र में आर्थिक उन्नति होगी। खरकुदा IMT से आई बड़ी खबर, बोली मारुति से अंतिम चरण में चली हुई है बात, जल्द हो सकती है घोषणा। HSIIDC के HOD सुनील शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट किया है कि IMT के लिए मारुति से अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। इसके अतिरिक्त आसपास पानीपत, रोहतक, सोहना, पटौदी के विकास के लिए भी प्रयास चले हुए हैं। वहां पर भी कंपनियों को जमीन दी गई है ताकि एरिया का विकास हो सके। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खरकुदा IMT किसानों को लैंड पूलिंग स्कीम के तहत अलॉटमेंट हो चुकी है, इंडस्ट्रियल प्लांट दिए गए हैं, सभी प्रकार के टेंडर जारी हो चुके हैं, सड़कें बनाने का काम चला हुआ है। इस मौके पर खरकुदा एस्टेट मैनेजर विकास गुप्ता, IMT खरकुदा प्रेसिडेंट राजीव दहिया समेत विभिन्न अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जी के समक्ष आदित्य बिड़ला ग्रुप है, उसकी एक मीटिंग थी, तो हमने आदित्य बिड़ला ग्रुप को 70 एकड़ लैंड पानीपत में उनके अल्ट्राटेक पेंट के लिए जमीन दी थी, ट्रांसपेरेंट मैनर में, अंडर मेगा कैटेगरी में, मेगा प्रोजेक्ट कैटेगरी के अंदर, तो उनको आज पोजेशन दिया पानीपत में। ये भी इस इलाके के लिए मील का पत्थर साबित होगा, 70 एकड़ जगह में पानीपत में, इंडस्ट्रियल स्टेट में, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ अल्ट्राटेक अपना पेंट का प्लांट लगाएगा। तो आज हमने आपको आमंत्रित किया था खरकुदा के बारे में बताने के लिए। जैसे विकास जी ने पूर्ण रूप से आपको अवगत कराया कि खरकुदा में अभी तक हमने क्या किया है। किसी भी क्षेत्र के लिए कोई एंकर यूनिट का आना बहुत ज़रूरी है, आप सबको मित्रों ज्ञात है इस चीज़ का। आज जो गुरुग्राम में हम बात कर रहे हैं, गुरुग्राम में जब मारुति और हीरो होंडा, जब आज खाली उसको हीरो बोल सकते हैं, उनके आने के कारण उस समूचे क्षेत्र का विकास हुआ। उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, उन दोनों का विजन यही है कि जब तक हम डिस्ट्रिक्ट में बड़ी इंडस्ट्री को नहीं लाएंगे, तब तक छोटी इंडस्ट्री नहीं आएगी। तो उसी प्रारूप को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं उनको हर जिले में समुचित स्थान दिया जाए। जैसे हमने सोना के विकास के लिए 6 महीने पहले ATL बैटरी को 180 एकड़ लैंड प्रोवाइड की। ATL बैटरी, जो लिथियम बैटरी जो आपके फ़ोन में लगती हैं, उसकी हमने 180 एकड़ जगह अलॉट कर दी, पोजेशन दे दिया, वो भी जल्दी अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं। उसी तर्ज पर हमने पटौदी क्षेत्र के विकास के लिए, फ्लिपकार्ट एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो हजारों लोगों को रोजगार देगी, 150 एकड़ के लगभग लैंड हमने उसको अलॉट कर दी, उनको भी पोजेशन दे दिया, वो भी अपना काम जल्दी स्टार्ट करेंगे। उसी तर्ज पर हमने पानीपत में आदित्य बिड़ला ग्रुप को जमीन दे दी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी की टाटा ग्रुप के साथ भी, टाटा स्टील के साथ भी मीटिंग थी, उन लोगों ने अपना इंटरेस्ट रोहतक में दिखाया है, वो भी बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। उसी तर्ज पर मारुति के साथ हमारी आखिरी राउंड की मीटिंग चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री, उनकी लेवल पर 2-3 राउंड की मीटिंग हो चुकी है, अब लास्ट राउंड की मीटिंग होनी है। वो संभवतः हमारे पास सोमवार मंगलवार को HSIIDC में आएंगे और MD के साथ उनका मिलने का कार्यक्रम है, तो वो भी फाइनल स्टेज पर है। राई हो, कुल्ली हो, चाहे बड़ी हो, चाहे खरकुदा हो, डिमांड ही आती है। आप जैसे खरकुदा को हम जल्दी लॉन्च करेंगे तो आपके समक्ष में दोबारा आऊँगा, जब ये हमारी स्कीम खत्म हो जाएगी तो मैं बताऊँगा कि कितने ट्रांसपेरेंट मैनर से हमने कितनी इन्वेस्टमेंट आई, कितनी इम्प्लॉयमेंट आई और कितने प्लॉट बेचे। तरीका हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा ना, हम किसी को, इवन आपको अचरज होगा जब आप हमारे पोर्टल पर एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, मेरे को भी नहीं पता होता कि कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया, किसने किया, ये तो बहुत अजीब सवाल है। पिछले 6-7 सालों में हमने जब से ऑक्शन स्टार्ट की थी, लगभग 2000 करोड़ रुपए के प्लॉट अलॉट कर दिए, 3100 समथिंग प्लॉट ट्रांसपेरेंट ऑक्शन से, कोई अलॉटमेंट। सर एक सवाल जी, जी ट्रैक्टर पे पीछे को टंकी सी बना के और जो फैक्ट्रियों का जो वेस्टेज पानी होता है उनको पार्कों में इस्तेमाल किया जाता है जी, और जो वो अनऑथराइज है उन पर क्या करूँ? मैं चेक कराऊंगा आपके पीछे बैठिए सर, एक बार आप चेक करके इन मित्र को जरूर बताना कि आपने क्या कार्रवाई की। जी हाँ हाँ, मेरे पास फोन आ गया, तो इसको मैं अवलोकन करा के जो उचित कार्रवाई बनती है वो हमारे
विनीत भाटिया मैं 5 साल मेरी कार्य प्रणाली या कार्य करने का तरीका मैं खाली नहीं कर सकता। मैं वर्किंग डे में चंडीगढ़ में था, पसंद आई तो मैं 69 हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट आईएनटी जो आईटीसी है उस आदमी ने कोशिश करके तो अवरोध पहले कर दी है। एक महीने के बाद जब बरसात खत्म हो जाएगी तो उम्र के अंदर काफी चीजें आपको दुरुस्त हो जाएगी। उसका भी एक तो जल्दी में 7-2 साल खराब होती है और जो आप मेंटेनेंस करते हैं उनका है जो हमारी सोशल सिक्योरिटी है तो इनको इनकी सलाह के बिना आप कोई कुछ नहीं करते। तो आपने जो बात यूपीएससी 2020 के नतीजे घोषित। यूपीएससी में कुल 761 अभ्यर्थी हुए सफल। शुभम कुमार बने यूपीएससी टॉपर। जागृति अवस्थी दूसरे, अंकिता जैन तीसरे स्थान पर। आईएएस टीना डाबी की बहन रिया डाबी चयनित। यूपीएससी में रिया डाबी की आई 15वीं रैंक। 17 से 30 सितंबर तक चलेगा फ्री महिला चिकित्सक कैंप। सोनीपत के ट्यूलिप मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में मुफ्त महिला चिकित्सा कैंप 17 सितंबर से 30 सितंबर तक लगाया जाएगा। इस कैंप में महिलाओं से जुड़ी सभी बीमारियों के बारे में महिलाओं का चेकअप किया जाएगा और जांच करके बीमारियों को दूर किया जाएगा। स्पेशल महिलाओं के लिए यह कैंप लगाया गया है। ट्यूलिप हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं एंडोस्कोपिक सर्जन व आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा ने बताया कि किसी भी महिला को महिला रोग की थोड़ी सी भी दिक्कत है तो वह कैंप में आकर अपना इलाज करा सकती है। उन्होंने कहा कि कई महिलाओं की बीमारी बढ़ने के बाद उनका ऑपरेशन जरूरी हो जाता है, लेकिन ऑपरेशन का खर्चा महिलाएं कई बार नहीं वहन कर पाती थी। इसलिए अब अगर ऑपरेशन भी करना पड़ता है तो महिलाओं को 50% छूट दी जाती है ताकि महिलाएं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें व स्वस्थ रहें। स्वागत है आपका सैनी हेल्थ केयर फार्मेसी अ कंप्लीट हेल्थ केयर सेंटर में। हमारे यहाँ अंग्रेजी, देसी व पशुओं की दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स, ग्रीन टी, सर्जिकल आइटम्स, हर प्रकार की वैक्सीन, फूड सप्लीमेंट्स, स्ट्रेमर, हेयर ड्रायर आदि, व्हीलचेयर, थर्मोमीटर, नेबुलाइजर, शुगर मशीन होलसेल रेट पर मिलती है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।